नमस्कार दोस्तों, आज का हिंदी अखबार का जो कि कोलकाता से पब्लिश हुआ है उसका फर्स्ट पेज का हेडलाइन पढ़ के सुना रहा हूँ। हर रोज ये वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जाके आपका सुझाव दीजिए और पुराना वीडियो देखने के लिए तो ये वीडियो का अंत में एंड स्क्रीन में प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उसको क्लिक करिए। तीन अखबार पढ़ूंगा, सन्मार्ग, वर्तमान पुस्तिका और प्रभात खबर। तो शुरू करते हैं सन्मार्ग से। सन्मार्ग का पहला, सीबीआई कार्यालय में 9.5 घंटे हुए पूछताछ, कई सवालों से घेरा गया अभिषेक बनर्जी को। अभिषेक ने दहाड़ा, ताकत है तो नवो ज्वार जत्ता रोक कर दिखाए, जनता है मेरे साथ। नर्मदा मामला में सुदीप्तो को चिट्ठी में अधीर सुजन व शुभेंदु का नाम फिर क्यों नहीं बुलाया गया? जो एजेंटों के बारे में पूछा गया उनके नेता उस वक्त कोई और थे, ये अभिषेक बनर्जी ने बोला। 9.5 घंटा पूछताछ होने के बाद निकल बाहर आके ये सब बात बोले हैं कि नर्मदा मामले में सुदीप तो जो है मेन एक्यूज, उन्होंने बताया था अधीर सुजन और शुभेंदु अधिकारी का नाम, फिर उसको क्यों नहीं बुलाया ये बात पूछा। और जो एजेंटों के बारे में पूछा गया उनके नेता उस वक्त कोई और थे, ये बोलने मांगता है कि शुभेंदु अधिकारी उस टाइम उसका वही जिला का नेता था जिसका बारे में पूछा गया, उसी का उस जिले का नेता था। यह है पहला खबर। दूसरा जो है, काकू समेत अन्यों के यहाँ 15 घंटे ईडी के छापे, कोई फ्लैट के दस्तावेज मिले, काकू का मोबाइल जब्त, इनके यहाँ मारे गए छापे। काकू के अलावा व्यवसायी सोंटू गांगुली दक्षिण 24 परगना जिला परिषद के सदस्य ज्ञानानंद वो उनके करीबी सिविल वॉलेंटियर राहुल बेरा, इन सबों के घर में छापा मारा गया है। काकू होता है कलिहटे काकू सुजय भद्द बोल के एक आदमी है, उनका बारे में कुछ दिन से चर्चा चल रहा है, उनका घर में ईडी का छापा मारे है कल, और उसके को छोड़ के भी और कई कई सारे जगह में किया था छापे मारे है। तो ये हो गया दूसरा खबर। तीसरा खबर जो है, ममता बनर्जी ने कहा मोदी सरकार चला रही है एजेंसी राज। ये ममता बनर्जी इस अभिषेक बनर्जी को बुलाया, इस बारे में ही बोला एजेंसी राज चला रहा है मोदी सरकार। ये हो गया। उसका बाद है, मोदी की G7 नेताओं के साथ द्विपक्षीय चर्चा, अभी मोदी G7 बैठक में भाग लिया है, हिस्सा लिया है जापान में, तो वहाँ द्विपक्षीय चर्चा हो रहा है। मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी मुलाकात की और उन्होंने भरोसा दिया कि संबंधों के समाधान तलाशने के लिए भारत हर संभव प्रयास करेगा। ये जेलेंस्की को बोला है, जो कि यूक्रेन प्रेसिडेंट है, मोदी जी ऐसा कुछ बोला है। उसका बाद है, सिद्धरमैया दूसरी बार बने CM, DK उप मुख्यमंत्री। DK मतलब DK शिवकुमार, वो मुख्यमंत्री हुआ। जो कुछ से चल रहा था खींचाटान के कौन मुख्यमंत्री होगा, वो सॉल्व हो गया। अब सिद्धरमैया दूसरी बार CM बन गए कल और DK उप मुख्यमंत्री हुआ कर्नाटक में। ठीक है, ये हो गया सन्मार्ग का खबर। उसका बाद पढ़ते हैं वर्तमान पुस्तिका। वर्तमान पत्रिका का पहला खबर, 9.5 घंटे CBI पूछताछ के बाद केंद्र पर भड़के अभिषेक, दी चुनौती, दिल्ली का पालतू नहीं बनना, कहा हिम्मत हो तो अमित शाह से पूछताछ करो। ये हो गया पहला खबर। उसका बाद जो खबर है, नौकरी के नाम पर ठगी गिरोह का खुलासा, पत्नी सहित ASI गिरफ्तार, एक सिविल व दलाल भी सिकंजे में, गंदा धंधा।
आरोपियों पर राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग को में मंत्री कोटे से नौकरी दिलाने का झांसा देकर सैकड़ों बेरोजगारों युवकों को करीब 40 लाख रुपए का उगाही का आरोप है। बेनियापुकुर थाने में तैनात एएसआई संजीव डेड़े, उनकी पत्नी व उलवेड़िया के खलीसानी ग्राम पंचायत के पूर्व प्रधान व वर्तमान सदस्य बर्णाली डेड़े, सैकत दे उर्फ टीटो और कोलकाता पुलिस के डीडी के सिविक वॉलंटियर कार्तिक मांडा को घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उसके बाद जो खबर है, काशी से सीधे गंगा सागर का सफर होगा संभव, मुरी गंगा पर 1600 करोड़ से बनेगा ब्रिज। महादित्य को पूरे भारत से सीधे जोड़ेगा नेशनल हाईवे, नया हाईवे गंगा सागर को वाराणसी से जोड़ेगा, एक नया हाईवे बनाने का प्लान हुआ, उसी के बारे में बोला गया। उसके बाद जो खबर है, 2000 रुपये के नोटबंदी पर घर की ममता, केंद्र को लिया आड़े हाथ, तुगलक की फरमान मुख्यमंत्री, बिफरी दीदी, कहा तानाशाही सरकार के फैसले को जनता नहीं भूलेगी, राज्यों में लगातार जारी एजेंसी राज पर भी कसा तंज। ये हो गया शपथ ग्रहण, सीता डीके ने संभाला पद, पहली कैबिनेट बैठक में 5 वादों पर अमल, गरी सरकार बना गठबंधन जून में घोषणा, कर्नाटक कथा, मंच से सभी भाजपा विरोधी दल से सुर में सुर मिलाया, कर्नाटक के बाद अगला लक्ष्य लोकसभा चुनाव में मोदी को परास्त करना है, मंच से समाजवादी पार्टी को अनुपस्थिति से उठा सवाल। ये हो गया वर्तमान। अभी प्रभात खबर, कब्जा करने वाली विस्तारवादी मानसिकता पर लगे रोक, मोदी, जेलेंस्की को दिया भरोसा, यूक्रेन युद्ध बड़ा मुद्दा, जो कुछ हो सकेगा करेंगे। G7 देशों ने चीन का आर्थिक दबदबा खत्म करने की शपथ ली। ये जापान में जो प्रधानमंत्री G7 बैठक में भाग लेने के लिए गया, उसी का बारे में खबर है। उसके बाद जो खबर है, केंद्रीय जांच एजेंसी की बड़ी कार्रवाई, ईडी अधिकारियों ने 10 स्थानों पर चलाया तल्लाशी अभियान, शिक्षक नियुक्ति मामले में अभिषेक से CBI की मैराथन पूछताछ के निष्कर्ष शून्य, CBI सिर्फ समय बर्बाद कर रही है, अभिषेक, हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। ये शिक्षक नियुक्ति मामले में अभिषेक को संबंध में, अभिषेक बनर्जी को CBI ने बुलाया था, वो उन्होंने साढ़े नौ घंटा पूछताछ का सामना किया और निकल के आने के बाद वो बोले हैं कि पूछताछ का निष्कर्ष शून्य, CBI सिर्फ समय बर्बाद कर रही है, ये बात बोला है। और ये जो हाईकोर्ट जो फैसला दिया था कि CBI को बुला सकता है, CBI अभिषेक बनर्जी को बुला सकता है, उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिए है अभिषेक बनर्जी। ये हो गया। और उसी का अंदर और एक खबर है, कालीघाट टापू के ठिकाने पर प्रवर्तन निदेशालय के छापे। ये खबर दूसरे खबर में भी है, कालीघाट काकू वो एक स्टाफ है अभिषेक बनर्जी का, जो बिजनेस है उसका स्टाफ या डायरेक्टर है, उनका घर पर छापे हैं, मरे हैं, ये बात बोला गया। इसका नाम है सुजय भद्र, इसको कालीघाट काकू का नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद है, केंद्र के एजेंसी राज के हमारा काम चुनौतीपूर्ण बना दिया है ममता, तो ममता बनर्जी ने ये बोला है, ये जो CBI ने जो अभिषेक बनर्जी को बुलाया, इसी के सिलसिले में बोला है कि केंद्र के एजेंसी राज ने हमारा काम चुनौतीपूर्ण बना दिया है, यही बात बोला है। और जो खबर है,
एसएसके अस्पताल में नहीं भर्ती हो पाया मरीज, आग बबूला हुए तृणमूल विधायक, अधीक्षक व निदेशक से इस्तीफा की मांग की। मदन मित्र के बगावती तेवर, कहा जरूरत पड़ी तो पद छोड़ देंगे। मदन मित्तो ने दी एसएसके अस्पताल को बहिष्कार की धमकी। ये काल एक तो मरीज को लेके मदन मित्तो वहाँ भर्ती कराने ले दिया था एसएसके अस्पताल में, जहाँ उनको भर्ती हो नहीं पाया। इससे मदन मित्तो बहुत रुष्ट हुए। इसका बारे में ये खबर है, उनका जो जो भाषण आया है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया तो उस बारे में बोला गया। यही हो गया प्रभात खबर का खबर। इसी में आज का खबर ख़त्म हुआ। फिर मिलेगा अगला वीडियो में कल। तब तक के लिए नमस्कार।